दूसरों के ऊपर मजाक उड़ाने से पहले ना खुद का औकात देखो। जय हिंद दोस्तों। हेलो गाइस, वेलकम टू द टीम मंगोल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज हम दिखाएंगे 2020 का बेस्ट सेटिंग्स। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिएगा ये वीडियो कैसी लगी। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं मेरा कंट्रोल दिखा देता हूँ, सेटिंग्स दिखा देता हूँ। पहला है बेसिक सेटिंग्स। बेसिक्स में आपका फ़ोन जैसा है उसके हिसाब से आपका ग्राफिक्स रखना पड़ेगा। आपका 2 से 3 GB रैम वाला फ़ोन है तो रखना पड़ेगा स्मूथ, और 3 से 4 GB वालों का रखना पड़ेगा स्टैंडर्ड, और 4 से 8 GB वालों का रखना पड़ेगा या उससे ऊपर वालों का रखना पड़ेगा अल्ट्रा। अल्ट्रा आप करोगे तो आपको 4 टाइप के ऑप्शन मिलेगा। पहला है ब्राइटनेस का, दूसरा है हाई FPS शैडो और हाई रेजोल्यूशन का। तो आप ब्राइटनेस, आपको थोड़ा ब्राइट चाहिए तो ब्राइटनेस आप हाई ब्राइटनेस कर सकते हैं, वेरी ब्राइट। और FPS आप ज़रूर हाई करके रखिएगा, इससे बहुत सुविधा होता है खेलने में, लैग कम करता है गेम। और यहाँ पर शैडो और हाई रेजोल्यूशन ये आपके ऊपर है, आपके फ़ोन के ऊपर है। आपका फ़ोन ज़्यादा रैम और ज़्यादा प्रोसेसर का आता है तो आप इसे ऑन कर दीजिएगा, इससे ग्राफिक्स अच्छा हो जाता है। और नीचे हम बात करें तो नॉच स्किन, इसे भी आप लोग ऑन कर सकते हो, पर इसे मैं ऑन नहीं करता। तो दूसरा है मिनी मैप आप रोटेटिंग कर दीजिए, और यहाँ पर ऑटो साइकिल को ऑन कर दीजिए। और सेंसिटिविटी है जनरल 100, रेड डॉट 100, 2x स्कोप 100, 4x स्कोप 100, AWM स्कोप 20, ये आप रख लीजिए। आप ओम भी अच्छे से चला पाएंगे, आप ड्रैग भी अच्छे से कर पाएंगे। ये सेंसिटिविटी आप रखिए जनरल, और सब कुछ 100 कीजिए। ओम का 20 रख दीजिए, अच्छा कंट्रोल है, अच्छा सेंसिटिविटी है। दूसरा है कंट्रोल। यहाँ पर एम का मैं बात करूँ तो आपको डिफ़ॉल्ट कर लीजिए, डिफ़ॉल्ट में अच्छा हेड लगता है। और लेफ्ट फायर बटन आप ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आपको लेफ्ट फायर बटन चाहिए तो आप ऑन कीजिए, और नहीं चाहिए तो ऑफ कर दीजिए। और यहाँ पर है क्विक वेपन स्विच, इसे मैंने ऑन कर दिया है, इसको आप अपनी मर्जी से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मैंने ऑन किया है। और AWM स्नाइपिंग का होल टू ए स्कोप कर दीजिए, इससे बहुत सुविधा होती है। व्हीकल कंट्रोल ये आपके ऊपर है, 100 या 200 आपका हिसाब से कर लीजिए। ऑटो पैराशूट ज़रूर से ज़रूर ऑन कीजिएगा। इन गेम टिप्स डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। डैमेज इंडिकेटर न्यू भी कर सकते हैं, क्लासिक भी कर सकते हैं, मैंने क्लासिक ही कर रखा है। और यहाँ पर ऑटो स्विच गन, इसे आप ऑफ रखिए, इससे क्या होता है मुझे ठीक से नहीं पता, पर मेरा ऑफ है। और विजुअल इफेक्ट, इसे मैंने डार्क करके रखा है, आप क्लासिक और नो ब्लड भी कर सकते हैं। और हीट मार्कर है नया ऑप्शन, इसे आप ऑन करके रखिए, इससे आप पता चल जाएगा सामने वाला एनिमी है या ग्लूअर लगा दिया है। एनिमी के ऊपर होगा तो आपका थोड़ा सा एम को थोड़ा सा उसके बॉडी पर जाएगा और आपको थोड़ा सा इंडिकेट करेगा कि ये एनिमी है। और ग्लूअर आ जाएगा या कुछ पैर में आ जाएगा तो वहाँ पर नॉर्मल जब आप लोग फायर करते हैं जैसा होता है वो वाला ही होगा, इससे बहुत सुविधा होती है। और ऑटो पिकअप आप ऑन कर लीजिए। ऑटो पिकअप में स्पेशल इक्विपमेंट्स आप लोग ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पर ऑटो पिकअप स्पीड फास्ट कर दीजिए। और यहाँ पर साउंड म्यूजिक आपके हिसाब से रख सकते हो, म्यूजिक मैंने 0 कर दिया है। साउंड इफेक्ट और वॉइस 100 कर दिया है। और यहाँ पर आर्डर्स में तो कोई सेटिंग्स नहीं है। और कंट्रोल हुक कस्टम हुक पे है, ये रहा मेरा कस्टम हुक, आप लोग मेरा जैसा भी कर सकते हैं या आपके ऊपर है, आप खुद का भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।